नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई की वेन्यू के साथ में स्कोडा रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हम ह्यूंडई वेन्यू का जो मैनुअल पेट्रोल में एस वेरिएंट है उसके साथ में रैपिड के बेस वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है संदेश कड़पे, जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप भी हमसे ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर डीएम करें। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट का लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर दोनों गाड़ियों के बारे में आपके जहन में कोई सवाल है या डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने लिए एक बेहतर फैसला कर पाएंगे कि आपको ह्यूंडई की वेन्यू लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ह्यूंडई की वेन्यू की बिल्ड क्वालिटी रैपिड के मामले में ज़्यादा बेहतर और मजबूत है? आपको लगता है कि दोनों गाड़ियों में जो भी प्राइस गैप होने वाला है क्या वो आपको मजबूर कर सकता है ह्यूंडई की वेन्यू को भूलकर स्कोडा की रैपिड लेने के लिए? दोनों गाड़ियों में से आपकी राय में कौन सी गाड़ी बेहतर है और आपके लिए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? दोस्तों आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और अगर आपके जहन में भी दोनों गाड़ियों को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में, और शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो जहां तक स्कोडा रैपिड का सवाल है, ये 4 मीटर प्लस की मिड साइज सेडान सेगमेंट की कार है। वहीं ह्यूंडई की वेन्यू सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। दोस्तों प्राइस रेंज की जहां तक बात है, रैपिड के सेगमेंट की प्राइस स्टार्ट होती है 7,49,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है 15 लाख प्लस तक। वहीं जो वेन्यू है उसके सेगमेंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर और ये जाती है 13 लाख रुपीज़ तक। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ह्यूंडई की वेन्यू रैपिड से विड्थ के मामले में लगभग 71 mm और हाइट के मामले में 139 mm बड़ी है। वहीं रैपिड वेन्यू से लेंथ के मामले में 418 mm और व्हील बेस के मामले में लगभग 52 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में दोस्तों। तो ह्यूंडई की वेन्यू में आपको वही i20 वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4000 RPM पर। वहीं वेन्यू में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करेगा 6000 RPM पर और आपको 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है 1500 से लेकर 4000 RPM पर। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करेगा 5250 RPM पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1750 से लेकर 4000 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है और एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक ह्यूंडई वेन्यू की बात है, इसका वजन है 1058 किलोग्राम से लेकर 1372 किलोग्राम तक। वहीं स्कोडा की रैपिड का वजन है 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक। चलिए लगे हाथों तो दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जहां पर ह्यूंडई की वेन्यू में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के मामले में। तो ह्यूंडई की वेन्यू में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर ह्यूंडई की वेन्यू में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथों तो दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जहां पर
Hyundai की वेन्यू में आपको 18 kmpl से लेकर 18.20 kmpl तक का माइलेज ऑफर किया जाता है, वहीं Skoda की रैपिड में आपको 19 kmpl तक का माइलेज मिलता है, जो कि वेन्यू से स्लाइटली बेटर है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर Hyundai की वेन्यू में सेगमेंट के हिसाब से 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं Skoda की रैपिड में आपको स्पेशियस 460 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिलेंगे और दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स नहीं आते, इसमें आपको स्टील रिम्स विद व्हील कवर या फिर व्हील कैप के साथ में मिलेंगे। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर अगर एक नजर डालें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है दोस्तों, और दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के स्टील रिम्स या फिर स्टील व्हील्स मिलते हैं। नेक्स्ट इस दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियों में आपको डेड पेडल फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इस सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियों में आपको मिनिमम ड्यूल एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS मिल जाता है और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 8-10 फीचर्स है दोस्तों जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं Skoda की रैपिड में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको Hyundai की वेन्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो Skoda की रैपिड में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज आपको Skoda की रैपिड ऑफर करेगी फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंटी ग्लेयर IRVMs आपको देखने को मिल जाता है। अगला है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग, एंड द लास्ट इज इसमें आपको स्टील कर्व प्लेट्स देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको रैपिड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये 6-7 फीचर है जो आपको रैपिड में मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको Hyundai की वेन्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं Hyundai की वेन्यू में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको Skoda की रैपिड में नहीं मिलेंगे। वेन्यू में कुल मिलाकर मात्र 4 ऐसे फीचर्स है दोस्तों जो आपको Skoda की रैपिड में नहीं मिलेंगे। और सबसे पहला फीचर है दोस्तों जो इसमें मिल जाता है, SUV होने की वजह से आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी, रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। तो ये वो 4 फीचर है जो वेन्यू ऑफर करेगी जो आपको रैपिड में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि वेन्यू का जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो आपको i20 में भी देखने को मिल जाता है, उसे लेकर कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो Skoda की रैपिड के मुकाबले बहुत ही अंडर पावर है। और वेन्यू का जो 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है जो Skoda की रैपिड से 97,000 रुपीज महंगा है, और इस 97,000 रुपीज में Hyundai आपको इंजन के अलावा टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के कोई भी ऐसे फीचर्स ऑफर नहीं करता है जिसकी वजह से ये एडिशनल कॉस्ट जस्टिफाई हो सके। मात्र इंजन के नाम पर आपसे 97,000 रुपीस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि ये Hyundai सरासर आपके साथ में लूट मचा रही है, फीचर्स भी ऑफर नहीं करती है और आपसे पैसे भी ज़्यादा ले रही है। वहीं पर Skoda की रैपिड आपको कुछ तो ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स ऑफर करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो Hyundai की वेन्यू में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है, वहीं Skoda की रैपिड में आपको 4 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी, 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस और 4 साल में 60,000 किलोमीटर तक 4 लेबर फ्री सर्विसेज मिलेंगी जिसका इंटरवल होगा 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे लगता है कि वारंटी के मामले में भी Skoda की रैपिड स्लाइड बेटर साबित होती है। अब थोड़ी बात मेंटेनेंस पे भी कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सभी को मालूम होगा कि मारुति के बाद में Hyundai इकलौती ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसका मेंटेनेंस काफी सस्ता माना जाता है। वहीं सबको मालूम है कि Skoda का मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जिस तरीके से 4 साल का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर आपको मिल रहा है और दोनों गाड़ियों की प्राइस गैप में जो भी 97,000 रुपीस तक की कीमत आप बचा पाओगे, उसके वजह से वारंटी के साथ में स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो, और मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके से Skoda की रैपिड मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत आने वाली है। चलिए दोस्तों अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग रिवील करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर या फिर मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए होते हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। बात करते हैं रैपिड के प्राइसिंग से। तो रैपिड का जो बेस वेरिएंट है जिसका नाम है राइडर, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से इसकी कॉस्ट है 749
3000 रुपीस। वहीं ह्यूंडई का जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है मैनुअल में, इसकी कॉस्ट है 7,40,000 रुपीस, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई, जो कि रैपिड के वेरिएंट से 9,000 रुपए सस्ता है, जिसको लेकर कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि वहीं वेन्यू का जो 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है एस वेरिएंट मैनुअल, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 8,46,000 रुपीस का मिलता है, जो कि स्कोडा की रैपिड से 97,000 रुपीस महंगा आता है। इस एडिशनल 97,000 रुपीस की कॉस्ट को किसी भी तरीके से ह्यूंडई जस्टिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि आपको कोई भी टॉप नॉट सेफ्टी फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं, ना ही कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और सिमिलर इंजन आपको स्कोडा की रैपिड में मिल जाता है, वो भी इससे 97,000 रुपीस सस्ते में मिलता है। ये जानने के बाद में अब कंज्यूमर और व्यूअर्स यानी कि आपको सोचना है कि आप अपने लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी चुनते हैं, किस गाड़ी को तवज्जो देकर घर लेकर आते हैं। अब एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन पर। तो जहां तक ह्यूंडई वेन्यू की बात है, इसके सेगमेंट में ह्यूंडई वेन्यू के अलावा मारुति की ब्रेजा आ जाती है, महिंद्रा की XUV 300 आ जाती है, टाटा की नेक्सॉन आ जाती है और फोर्ड की इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं स्कोडा के रैपिड के सेगमेंट में रैपिड के अलावा ह्यूंडई की वेरना मिल जाती है, होंडा की सिटी मिल जाएगी, फोक्सवैगन की वेंटो मिल जाएगी, मारुति की सियाज मिल जाएगी। और अपनी कीमत और फीचर्स के दम पर कुछ हद तक किया की सेल्टॉस, ह्यूंडई की क्रेटा, उससे भी आगे बढ़कर कुछ हद तक MG की हेक्टर और टाटा की हैरियर भी इन गाड़ियों को एक तगड़ा कंपटीशन और अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल कराती हैं। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक पर, क्योंकि अच्छाइयाँ, फीचर्स और प्राइसिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, तो हमारा काम बनता है कि हम एक नज़र ड्रॉबैक यानी कमियों पर भी डालें। और शुरुआत करेंगे वेन्यू से। तो वेन्यू के जो टॉप वेरियंट है वो थोड़े से ओवर प्राइस हैं, उनकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए थी। वेन्यू के केबिन में भी आपको स्पेस बहुत ही कम मिलता है, मेरे हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। वेन्यू में किसी भी तरीके से डीजल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, इसकी जो वेरिएंट लाइनअप है वो थोड़ी सी वियर्ड है और फीचर मैनेजमेंट में उतना अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। वहीं अगर हम रैपिड के ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों इसका आउटडेटेड डिज़ाइन। काफ़ी सालों से यानी कि जब से स्कोडा की रैपिड लॉन्च हुई है इसका डिज़ाइन यही है। अप मार्केट और मॉडर्न एज करंट ट्रेंड के हिसाब से स्कोडा को इसमें चेंजेस करने चाहिए थे। इतने सालों के अपने प्रेजेंस में स्कोडा ने अपने सर्विस और डीलर नेटवर्क को बढ़ाया नहीं है, वो काफ़ी लिमिटेड है और बहुत सारी जगहों पर इनका सर्विस स्टेशन या फिर शोरूम 200-300 किलोमीटर तक दूर है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लोग दूसरी कंपनियों की तरफ मुड़ जाते हैं। और तीसरा ड्रॉबैक है रैपिड का दोस्तों कि आज की डेट में ये अभी तक ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है, ना ही डीजल के कोई इंजन आने के आसार इसमें नज़र आते हैं। अब मुड़ते हैं आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों गाड़ियों के सेगमेंट अलग अलग हैं, उनकी खूबियां अलग है, फीचर्स और काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं, उसकी वजह से दोनों में से किसी एक गाड़ी को क्लियर विनर कहना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर स्कोडा की रैपिड जीत जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और 97,000 रुपीज़ का जो प्राइस गैप है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, और जो स्कोडा की रैपिड को विनर बनाता है। जो लोग एक SUV फील वाली गाड़ी चाहते हैं, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, सिटी में पार्किंग के लिए भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गाड़ी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो और उसमें थोड़े बहुत फीचर्स कम भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सभी लोग यहाँ पर ह्यूंडई की वेन्यू को चुन सकते हैं और बाकी मेरे जैसे लोग डेफिनेटली स्कोडा रैपिड पर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी राय में, अपने लिए दोस्तों में स्कोडा की रैपिड लेना चाहूँगा, क्योंकि ह्यूंडई की वेन्यू से 97,000 रुपीस सस्ते में अगर मुझे एक बड़ी स्पेशियस, कम्फर्टेबल, बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर कंफर्ट, बेटर फिट एंड फिनिश, प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार, बेटर सेफ्टी के साथ में बेटर परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट और लास्ट में बेस्ट वारंटी के साथ में अगर गाड़ी मिलती है तो मैं डेफिनेटली स्कोडा रैपिड की तरफ जाना चाहूँगा। अब ये आप लोगों को तय करना है दोस्तों कि अपने लिए आप दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चुनते हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से किन चीज़ों को तवज्जो देना ही आपकी अपनी राय होगी दोस्तों। आपकी राय नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में दोनों गाड़ियों में से जो घमासान हुआ है उसमें कौन सी गाड़ी जीती है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।